हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है इस ट्यूटोरियल का, तो जिसमें हम बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे ताकि कोई बिल्कुल बिगनर स्टूडेंट जो होगा उसको भी कोई परेशानी ना आए इसे सीखने के लिए। तो हम एक बेसिक एप्लीकेशन से आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिनको इनका इंटरफेस नहीं क्लियर है तो वो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें से वो इंटरफेस क्लियर हो जाएगा। तो आज हम यहाँ पे एक बिल्कुल कंपोनेंट्स कैसे प्लेस करते हैं, कैसे उनकी प्रॉपर्टीज सेट करते हैं, कैसे उनके इवेंट्स को हम यूज़ करेंगे, वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक इंटरफेस डिज़ाइन करना है जिसमें हमने दो बटन्स रखने हैं और एक बटन पे क्लिक करने पे हमारा दूसरा बटन के ऊपर कोई भी एक्शन इवेंट परफॉर्म हो जाए, तो हम वो वाला ट्राई करेंगे। सबसे पहले हमने बटन कंपोनेंट के ऊपर डबल क्लिक करना है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो बटन है यहाँ पे आ गया है। तो इसको अगर हमने एक से ज़्यादा बटन चाहिए तो हम इस पर राइट क्लिक करके इसको कॉपी भी कर सकते हैं, देन हम इसको कंट्रोल और वी प्लस करके पेस्ट कर देंगे तो हमारा बटन 2 यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा तरीका, यहाँ पे हम डबल डबल क्लिक कर देंगे जहाँ इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम अपने कंटेनर के ऊपर छोड़ देंगे। तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि जो हमारा मेन कंटेनर होता है जिसको हम फॉर्म 1 यहाँ पे उसका बाय डिफॉल्ट नेम है, तो हम उसको सबसे पहले देखेंगे। तो हमने फॉर्म 1 को सिलेक्ट किया है, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे और इसको सबसे पहले इसको रीनेम करेंगे। यहां पे हम लिखेंगे माई फॉर्म। ये चीज का ध्यान रखना है, हमने टेक्स्ट चेंज करना है ताकि हमारा जो यहाँ पे लेबल डिस्प्ले है वो चेंज हो जाए। और एक इसकी और प्रॉपर्टी जो बिल्कुल कॉमन यूज में आती है वो होता है इसका नेम प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम अभी भी फॉर्म 1 लिखा रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे चेंज कर दोगे तो आपको कोडिंग में जब हम काम करेंगे तो इसी नेम को लेके आगे चलना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख रहा हूँ FRM1। तो इसका जो नेम हो गया अभी फॉर्म का वो हो गया FRM1। तो इसी तरीके से हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो देन बटन के ऊपर हम इसका जो बाय डिफॉल्ट नेम है जो कोडिंग में यूज होगा वो बटन 1 है, हम इसको B1 कर दें। तो ऐसे ही इसका हमने यहाँ पे B2 कर दिया, ठीक है जी। देन अब इसकी जो डिस्प्ले हो रहा है जो उसकी कैप्शन है हम उसको टेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ इसको चेंज करेंगे। तो पहले बटन 2 सिलेक्ट है हमारा, तो इसी को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेड, यहाँ पे हम लिख देंगे ब्लू, तो ये हमारे दो बटन बन गए जिसके ऊपर हमने ब्लू और रेड लिखा है। तो अभी हम जो करने जा रहे हैं बड़े ध्यान से देखने वाली बात है, हमने क्या करना है अभी इसको हमने कोडिंग की साइड पे लेके जाना है। तो सबसे पहले जब हम इस तरह की कोडिंग करेंगे हम इसको फॉर्म लोड में करेंगे। तो फॉर्म लोड में जाने के लिए हम फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ना कि किसी कंपोनेंट के ऊपर, आप ध्यान से देखना। तो यहां पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूं, तो यहां पे मेरे पास जो इसका सब रूटीन आ रहा है प्रोसीजर उसका नाम आ रहा है जी फॉर्म 1 लोड। तो इसका मतलब है कि जब ये प्रोग्राम चलेगा जो भी हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली वहां पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे थे, हमने दो बटन्स लिए थे उनका नाम रेड और ब्लू रखा था। तो हम चाहते हैं कि जब हमारा ये वाला प्रोग्राम रन हो तो दोनों का कलर रेड और दूसरे का ब्लू हो जाए बिना किसी इवेंट को फायर किए हुए। तो उसके लिए हम B1 यहाँ पे लिखेंगे B1.backColor। यहाँ पे प्रॉपर्टीज अपने आप आपको डिस्प्ले होती रहेंगी, B1.backColor इक्वल टू color.blue डार्क ब्लू, ठीक है जी। बिल्कुल आसान है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। B2.backColor
equal to color dot dark red, यहाँ पे आ गया। तो हम एक बार देख लेते हैं, डिजाइन पे हमने ब्लू और रेड किया हुआ है, तो अब हम डिजाइन में जाएंगे, देन हम इसको रन करके देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो क्या आउटपुट लेके आता है। ये देखिए, तो जैसे हमने फॉर्म पे दो बटन लगाए थे, फॉर्म लोड पे हमने उनको दो कलर्स दिए थे, तो दोनों कलर हमारे फॉर्म लोड पे आ गए हैं, इस पे हमने कोई भी क्लिक नहीं किया। तो हम इसको बंद करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम यही काम किसी बटन के क्लिक पे करें, तो उसके लिए हम एक बटन और ले लेते हैं। तो देन इसके लिए एक बटन और ले लेते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं क्लिक, इसके ऊपर लिख दिया क्लिक, और इसके ऊपर लिख देंगे ब्लैक। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम क्लिक बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो ब्लैक वाला बटन हो उसका कलर ब्लैक हो जाएगा। उसके लिए अभी हमने फॉर्म के ऊपर क्लिक नहीं करना है, हमने क्लिक के ऊपर डबल क्लिक करना है। तो हमने डबल क्लिक किया तो रूटीन हमारा जो होगा सब रूटीन वो बटन के क्लिक इवेंट के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने उनके नाम चेंज नहीं किए, तो हमारे जो बटन का नाम था वो ही रहेगा, बटन टू यहाँ पे आ जाएगा, बटन टू डॉट बैक कलर, बाकी कोड सारा सेम रहेगा, इक्वल टू कलर डॉट ब्लैक, डार्क ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक डॉट ब्लैक, ओके। तो अभी हम इसको रन करेंगे, ये हमने इसको रन किया है, तो जो पहली दो आउटपुट आ रही थी वो फॉर्म लोड के अकॉर्डिंगली ऐसे ही आएंगी, तो दूसरे पे हमने इसका कलर कैसे ब्लैक आएगा जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने बेसिक स्टार्ट कैसे करना है, हमने इवेंट्स को कैसे यूज़ करना है, हमने किसी भी कंपोनेंट के साथ कैसे काम करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल इजी वे से हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो बाकी काम है या बाकी जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको हमने कैसे देखना है। थैंक यू।